साइकिल क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं पास हो गई। आपका रिजल्ट आया आज? हाँ, मैं सेकंड क्लास में चल रही हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? जैसे कि आज देख चुके होंगे, ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आज सोना का रिजल्ट मिला। सेकंड क्लास में चली गई है सोना, और इन्होंने आज अपने पापा को ना छोड़ा नहीं, कह रहे हमें साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ। तो तब तक इनको रास्ते में कुछ और चीज़ भी दिख गई। पहले ये साइकिल वगैरह ट्राई कर रहे थे, तो सोना को तो ये बास्केट वाली पसंद आई। और आरू अभी सोच रहा है कि मतलब कौन सी वो करे ना, कौन सी देखे। तो देखो इन पे आप कौन सी साइकिल डिसाइड करते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इन्होंने एक और चीज़ के लिए जीत। और इतने दोनों मास्टरमाइंड दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि साइकिल लें या ना लें। तो देखते हो आज इन्होंने अपने पापा को कहा तब तक नहीं पापा, आप जाओगे ही नहीं जब तक हमें दिलाया नहीं कि सोना सेकेंड क्लास में चली गई, इसलिए हमें गिफ्ट चाहिए। मेरे बच्चे इतने चालू निकले ना, इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने कहा कि अगर हम साइकिल लेंगे तो रोड तो आजकल गंदी हो रखी तो साइकिल तो टूट जाएगी। तो इन्होंने आपस में प्लान बनाया कि इससे अच्छा कि स्विमिंग पूल ले लेते हैं, काम आएगा गर्मी में। तो फाइनली अब हम इसको लेके आ गए घर पे, और घर पे ला गए। तो अब ये ना इसकी हवा निकाल के लाए थे घर पे, तो अब ये भैया इसको फुला रहे यहाँ पे। तो ये मेरे मम्मी पापा का गार्डन है, तो देख सकते हो। आरू देखो इतने एक्साइटमेंट में बैठा हुआ है, और इसके जो पंचर वगैरह है वो भी लिया है हम साथ में, पंप भी खरीद के लिया है। तो देखो ये अब कैसे लगता है फुला के। और उसके बाद तो सोनर आरू तो क्या ही बोलूँ मैं, अब तो इस स्विमिंग पूल के अंदर से ना बाहर ही नहीं निकलने वाले। तो देख सकते जब ये छोटे छोटे थे ना तब हम इनको टब में बिठाते थे, लेकिन अब इनको थोड़ा मस्ती करने के लिए चाहिए बड़ा। तो फिर हमने सोचा चलो, मैंने कहा चलो ठीक है, तो चलिए। Oh, oh, oh.
गाइज अब ये फूल चुका है और आरू की देखो इसमें पहले ही तैयारी हो गई, आरू कपड़े निकालने लग गया, तो अभी उसके पापा कह रहे कि पहले इसको धुल देते हैं, बट आरू तो सब्र ही नहीं कर सकता, देखो उसको देखो। और बस अब ये तो इसका तो अब दिन भर का हो गया, तो आरू तो पहले ही चले गया है, धुलने का भी इंतजार नहीं है उसको। तो अभी हमारा जो अभी हम रेंटेड रूम पे रहते तो वहाँ पे स्पेस है नहीं, तो तब तक इसे यहाँ पे रखेंगे और फिर जब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो तब हम इसको वहाँ पे लेके चल जाएंगे। और बस अब तो आरू की मौज ही मौज है। हाय, कैसा लग रहा है? अभी तुम्हारे पार्लर में जा रहे हैं। हैं सो हे गाइस, अभी आज सोना का रिजल्ट था, उन्होंने अपने पापा का पीछा ही नहीं छोड़ा, पहले उन्होंने साइकिल देखी, बाद में इन्होंने ये बाथटब देखा, तो फाइनली इन्होंने ये बाथटब ले लिया। और दिन के 12:30 हो गया टाइम, तो मैं जा रही पार्लर, तो मिलती हूँ आपको पार्लर पे जाके। हे गाइस, तो अभी अभी पहुँची हूँ मैं पार्लर, और आज बहुत बच्चों ने जो है अपने मन की खूब तसल्ली कर ली, तो अभी अभी एक क्लाइंट आए हैं थ्रेडिंग वाले, तो जरा मैं जाती हूँ बाहर पे, मिलती हूँ आपको उसके बाद, कर लेती हूँ, तो उसके बाद आगे व्लॉग में देखते हैं क्या होता है। तो आज बहुत थक गई मैं, बहुत ही सुबह से बच्चों के साथ, तो क्या ही बोलूँ, थकते थकते ना इधर उधर इधर। और आजकल ना लॉकडाउन से ऐसी आदत पड़ गई घर में रहने की कि घर पर बैठे बैठे जो है मतलब बाहर जाके कुछ ख़रीदने का, धूप में तो जाने का मन ही नहीं करता, बट क्या करें। तो चलिए अभी फ़िलहाल कर रही हूँ मैं थ्रेडिंग, और आज का व्लॉग आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी मैंने थ्रेडिंग कर ली है। एंड बीच बीच में ना कस्टमर ऐसे आते रहते हैं, तो फिर जब भी हमारा शूट होता है तो बार बार अटेंड करना पड़ता है, और ऐसे में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो पार्लर अभी जो है काम आधा चल रहा है, तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और सोना का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है आज, उसी खुशी में उसने जो है लिया है सामान, तो बाय।